तो दोस्तों, स्वागत है एक नए पॉडकास्ट में। काफ़ी टाइम बाद चैनल पे हाँ आ रहे हैं आप। पता है, आप वेट कर रहे होगे हमारे नए पॉडकास्ट का। काफ़ी बिजी चल रहे थे हम अपनी लाइफ में। तो भाई सत्यम, कुछ बताया, क्या चल रहा था इतने महीनों से? अरे यार, एक वो था, ब्रेक देना पड़ा था। मतलब ऐसा था ना कि ऐसा भी नहीं है कि लोग पूछ ही रहे थे कि कहाँ चले गए। थोड़ा टाइम लग भी गया था। अरे तो भाई, वैसे तो अभी रिकवरी कर रहे हैं हम WTC के लॉस से। मतलब हाँ, क्या अरे नहीं, हाइप थी वो उसमें WTC उसका फाइनल उसका कोई की। दुख उख नहीं है, उसका कोई दुख नहीं है भाई। अब ये जो पोस्ट मैच ग्रीफ है ना, इससे तो इम्यून ही हो चुके हैं भाई 2013 से। हाँ ये तो है, पर यार एक रहता तो है कि यार हार गए, क्योंकि एक मन में रहता है यार काश जीत जाए, लेकिन जीत नहीं पाए। अबे नहीं ऐसा, ये तो इस चीज़ का अभी भी क्या फ़र्क पड़ेगा यार, ये तो 10 साल हो गए हैं। हाँ पर भाई इस साल जो वर्ल्ड कप है ना, उसके लिए तो ऐसा है कि भाई घर में हारेंगे ना तो सबसे ज़्यादा बुरा नहीं लगेगा कि हाँ, अपने ही फैंस के ये आगे। अगर ये वर्ल्ड कप हारे तो मुझे लग रहा है क्रिकेट देखने से एक लंबा ब्रेक लेना पड़ेगा, मतलब थोड़ा लाइफ भाई लॉन्ग ब्रेक लेना बिल्कुल पड़ेगा। लेना पड़ेगा यार। और मेरे लिए तो भाई इतना बुरा है कि मैं तो टीम ही ऐसी सपोर्ट करता हूँ IPL में भी, और इंडियन क्रिकेट टीम, वहाँ पे मेरे हाँ, को तो अरे भाई मेरा दुख भी ही ऐसे ही है मिलता ना, है। मैं तो DCO करता हूँ, DC भी नहीं जीती आज तक। हाँ ये अच्छा भी है देखा, भाई, पर एक तरह से डी देखा डी जाए तो 10 साल से ऐसा हुआ ही नहीं है कि किसी टीम को सपोर्ट कर रहा हूँ और वो जीत गई हो। हाँ ये तो है ही भाई, पर क्या ही कर सकते हैं। अब RCB का तो भी है, पर RCB थोड़ी हाइप रहती है। DC की तो ऐसा लगता है कि गुमनाम सी टीम है, कब आई कब गई किसी को पता ही नहीं चलता। अबे DC का तो ये सीन है, जब मैच देखने मतलब दिल्ली में मैच भी हो रहा हो तब भी उसके कोई वो सपोर्टर वो नहीं होते DC के। वो तो है ही भाई, मतलब जो ऐसा मैच हो रहा हो दिल्ली और गुजरात टाइप का, उसमें तो भाई ऑडियंस ही नहीं दिखती, ना गुजरात की ना दिल्ली की, आधा स्टेडियम ही खाली रहता अबे पता है। है, पर ये WTC के जो आखिरी दिन था ना, इसमें थोड़ी बहुत मतलब झूठी सी उम्मीद थी एक। हाँ भाई बिल्कुल थी, वो तो सबको ही थी, क्योंकि एक तो वो गाबा वाली जीत ऐसी हो गई कि भाई सबको लगता है कि अब तो चेस कर ही देगी इंडिया कभी हाँ ना अबे, कभी, ऐसे और सबसे बड़ी मिरेकुलसली। बात तो मुझे ये लगती है कि लोग कह रहे हैं कि अगर ऋषभ पंत होता तो ये कर देता, अबे वो होता वो भी कुछ ना कर पाता। अरे वो तो बिल्कुल ही कुछ नहीं कर पाता, और अब देखियो पंत आएगा 1.5 साल बाद, अब लोगों की हाँ, इतनी अब वो हाइप रहेगी बिल्कुल ही उसके आउट अराउंड। ऑफ फॉर्म हो चुका होगा। हाँ वही, फिर वो टेस्ट में एक लंबा स्ट्रगल चल जाएगा और उसे कैरी करते रहेंगे करते रहेंगे। भाई पंत ने भाई करके मरने की हाँ, हालत में लापा गया था, लापा तो भाई अब करके भाई ने मैचों में खिलाना तो मुक्ति से पड़ेगा। हटा दी हो। पर भाई ये चीज़ देख, इतना बड़ा देश है, इतने क्रिकेटर हैं, लेकिन अच्छा विकेट कीपर बैट्समैन नहीं है, कितनी हैरानी की बात है। एक अरे बहुत KS हैरानी की बात भरत। है। और अबे ये देखा हाँ तुमने, बता। कम कम बॉल वर्सेस बेसबॉल? हाँ ये भाई अभी क्या कहते हैं इसकी हाइलाइट्स, क्या कहते हैं इस मैच के बाद इंग्लिश न्यूज़पेपर ने ही अपने उसमें डाल रखा था, अ रियल किक इन द बैस बॉल्स फॉर इंग्लैंड। मतलब समझ गया ना पता किस क्या, वे इस में कह बेसबॉल का रखा। पता क्या था, बेसबॉल तब तक ठीक है जब तक बस तुम टेस्ट में ODI रफ्तार से खेल रहे हो, ठीक है। पर ये जब तक ये ऐसे मतलब बिल्कुल ही सेंसलेस डिसीजन लेने लग जाते हैं ना कि बहुत कम रन पे डिक्लेयर कर दिया ये वो, तो हाँ इस वो चीज़ की तो है तारीफें ही। भी तभी तक होंगी जब तक ही जीतेंगे। जैसे कि इस बार हार गए तो इसी चीज़ को फुलिश डिसीजन कहने लग गए। हाँ अब अगर ये पूरी सीरीज में ही हारने लग गए ना, तब इनकी बेइज्जती होगी। अभी तक तो यूं है एक मैच हारे हैं और क्लोजली अबे हार गए, ये तो अभी देख भी देख अबे इंग्लैंड। ऐसे ऐसे इसका सीन ये है कि अगर ये ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं तो वहाँ तो ये जीत ही नहीं पाते हैं, और ऑस्ट्रेलिया ने इनके घर में भी हरा देती है। हाँ वो ऑस्ट्रेलिया में जाके तो ये एक मैच भी नहीं जीत पाते, और यहाँ हाँ, पिछली और एशेज यही भी कुछ टाई थोड़े बहुत रही थी उम्मीद जो होती है इंग्लैंड वहाँ में भी। हुई थी। हाँ, हाँ पर वो ये ही है, रिषभ ने अपने कैसा करा घर। था कि मतलब किसी की सेंचुरी बन गई अरे थी। हाँ अब क्या हुआ, 78 ओवर हुए थे और रूट सेंचुरी बना के खेल रहा था, मार रहा था, और साथ में इनका एक टेल एंडर था जो बैटिंग कर लेता है, पर इन्होंने डिक्लेयर कर हाँ, दिया उन्हें 4 ओवर खिलाने के लिए आखिरी के दिन भाई में, पर मतलब ये तो आखिरी। बहुत ही मतलब कोई बहुत ही बकवास डिसीजन है कि भाई ऐसा ही कम से कम मैसेज दे दो कि अब बिल्कुल ही फ्री खेलने लग जाओ, तेज तेज वही ठीक है। हाँ मतलब पर यार यूँ है ना कि फर्स्ट इनिंग में तो तुम पूरा कैपिटलाइज करो, अगर एक अच्छा तुम्हें एक टोटल मिल रहा है तो 500 तक लेके जाते और फिर अब उन्हें खेलने बिल्कुल, देते। भाई ये सेकेंड इनिंग में होता है कि भाई तुम जल्दी डिक्लेयर कर दो, पर भाई ये तो मतलब ये दिखाना चाह रहे हैं कि भाई हमें फ़र्क नहीं पड़ता हम हारे या जीते, पर जब एक बार हारने लगेंगे 4-5 मैच तब पता चलेगा कि भाई यहाँ पे इंडिया में जैसे होता है ना, इनके साथ भी यही होगा, फिर क्या कहते हैं क्रिटिसाइज़ करने लगेंगे लोग। पर भाई ये और भाई देख कहना पड़ेगा, हाँ
ऑस्ट्रेलिया मतलब भाई अपने पूरे एक तरफ ऐसे चल रहा था, वो भाई बॉल छोड़ते ही नहीं है। और उस्मान खवाजा भाई एक तो 36 साल का हो गया, क्या फॉर्म में चल रहा है। और उसने पता नहीं हाँ कि 300 कुछ बॉलों में 130 रन बना के भाई फिर भी ऑस्ट्रेलिया जीत गई। मतलब उनने दिखा दिया भाई हमें नहीं फर्क पड़ता, तुम कैसे भी खेलो तेज तेज। ठीक है, पर अब जैसे WTC की अगर बात करूँ तो भाई मुझे ना एक चीज़ नहीं समझ आती कि ठीक है पूरा वर्ल्ड कप हो रहा है तो उसका फाइनल ज़रूरी थोड़ी कि इंग्लैंड में खेला जाए। हाँ पर भाई देख कहना पड़े, पर एक चीज़ देखी, पैट कमिंस ना इंडिया को हराने के बाद इतना खुश नहीं हुआ था जितना भाई पहला टेस्ट मैच जीतने के बाद। तो बिल्कुल ऐसी सेलिब्रेशन थी ऑस्ट्रेलिया की कि अरे बिल्कुल वो तो है भाई यार, अब अगर इंडिया इंडिया भी ऑस्ट्रेलिया को हराएगी ना तो इंडिया उतना खुश नहीं होगी जितना पाकिस्तान को हराने के बाद होगी। वो इनकी एक राइवलरी चल नहीं, रही है, वो जो सेंचुरी इंडिया दौड़ता है। तो जीतती तो खुश होती भाई WTC में, पूरा उछलते उछलते। मतलब ऑस्ट्रेलिया का बड़ा ही कैजुअल वो यार सेलिब्रेशन था ऑस्ट्रेलिया एंड। क्या है, मतलब अभी पिछले साल भी T20 वर्ल्ड कप जीती है, 2021 में भी, हाँ मतलब ये वही तब चीज़ तो उनके लिए जीतते तो रहते कॉमन हैं ही है। ना, उनके लिए क्या खुशी। पर ये भी होता होगा ना कि WTC फाइनल तो एक तरफा था, अभी एशेज का टेस्ट एक तो एशेज, और भाई इतना क्रंच मोमेंट पे जाके ख़त्म हुआ। और हाँ भाई मैच भी तो तगड़ा कप्तान, था। हाँ मतलब भाई हमारा कप्तान देख और इनका कप्तान देख, इनका कप्तान बॉलर होते हुए भी हमारे कप्तान से ज़्यादा रन बना गया दोनों पारी में हाँ हमारे। ये बात थी। अबे ये तो पता नहीं रोहित शर्मा तो किसी बेस पे चल रहा है। हाँ मतलब क्रूशल मैच में तो चलता ही नहीं है, ये तो अपने कप्तानों की है ही कि भाई फाइनल में जाके रन नहीं बनाने, ये तो पता नहीं हाँ ये कहाँ तो बस खत्म वो होएगा तो कुछ हमारी। हो गया था कि वो बस एक बार 92 बना दिया था क्या वर्ल्ड कप फाइनल में, कप्तान से पर वरना तो कुछ नहीं होता। क्या ही मतलब ऐसा ही होता है कि प्रेशर गेम में ना अपने प्लेयर कांपने ही लग जाते हैं पहले ही कि यार क्या क्या करें हाँ क्या अबे यार करें वो सबसे बड़ी बकवास तो वो थी, वो विराट कोहली का शॉट, भाई, वो इतनी तो बार थी। की बॉल को टच ही क्यों कर रहा है। और अश्विन को नहीं खिलाया कि भाई रन ज़्यादा बन जाएंगे, और ये चार फास्ट बॉलर को खिला के हाँ तो बहुत और कम रन वहाँ हो गए। नहीं, और वहाँ उनका नेथन लाइन सही करा रहा था टर्न। हाँ वही भाई उनका तो है, पिच कैसी भी हो, हरी हो पूरी हरी हो, नेथन लाइन तो खेलेगा ही अबे खेलेगा भाई, क्योंकि वो बात ठीक थी, पता नहीं शायद सुनील गावस्कर ने बोली थी कि दुनिया का भाई रैंक वन बॉलर है, उसे तो तुम बैठा ही नहीं सकते हो। और क्या भाई ऐसा क्या ये सोचते हैं कि अश्विन खेलेगा तो 600 रन बन जाते हैं, यहाँ अब चार ये अब बॉलर खेले। इंडिया में ऑस्ट्रेलिया को हराते हैं इन्हीं के बेस पे, इन बॉलर्स के बेस पे, और फिर जब मैच होता है तो इन सबको ड्रॉप कर देते हैं। हाँ पर भाई अब मेरे को लग रहा है एक तो ये बूढ़े बूढ़ों की टीम में ना भाई कुछ बड़े चेंज लाने पड़ेंगे वरना नहीं चल पाएगा। अरे एक तो अभी उसे मच मच नीडेड लात लग तो गई उसे, 75 बजा रहा था हाँ भाई वो स्क्वाड अनाउंस देखा, काउंटी काउंटी में वो स्कूल लेवल बॉलर को ठोकता रहता था पूरे साल, वही लगा कि तो इंग्लैंड में खेल रहा है। और वो कौन सी बॉल होती है इंग्लैंड में, कौन सी कंपनी की, ड्यूक्स ड्यूक्स हाँ ड्यूक्स की, उससे खेल रहा है कि उसी से पूरे साल यार खेल रहा है और बढ़िया खेल रहा है, तो यहाँ पे भी कुछ कर लेगा। यहाँ पे याद पता नहीं ही। क्या अपर कट मार रहा था ना शायद, अपर कट हाँ था या क्या कौन सा शॉट मार अपरकट, रहा था, अपरकट ही था सेकंड अपर कट मार इनिंग्स रहा में, था और सीधा विकेट कीपर के पास चली गई। और पहली पारी में अंदर आने वाली बॉल को लीव कर दिया, उसमें बोल्ड हो गया। हाँ ये तो अलग ही, बिना कुछ करे ही आउट हो गए शुभमन गिल, और ये दोनों लीव करते हुए आउट हुए थे ना, लीव करते फिर हाँ विकेट कीपर की थी बॉल। पहली इनिंग में दोनों ने लीव करा था और आउट हो गए थे। पर भाई नहीं क्या ही? पर ये है कि अब रहाणे को ढोना पड़ेगा, उसने वो गलती से पकड़ हाँ लिया थी ये हमारे मेरे को। को भाई एक तो पहली बात इसका सिलेक्शन ही जस्टिफाइड नहीं है कि IPL में इसने दो तीन हाँ पारी खेल दी तो इंडियन टीम में ले आए। और आज हाँ भाई वो देख रहा था कि भाई अगर वो पैट कमिंस की 9 बॉल ना होती ना तो आज दो लोगों को लात लगी होती सिलेक्शन कमेटी की तरफ से, पुजारा को एक एक तो रहाने। इसके हाँ रहाने जब 20-1 रन पे था तब इसकी कैच छूट, वो 9 बॉल हो गई थी जब इसको आउट करा था पैट कमिंस ने, फिर ये बना गया है 10-9 रन। पर भाई सही रहता आउट हो अबे जाता तो यार। अभी ये वेस्ट इंडीज के खिलाफ मार देगा, उसके वेस्टिंग बाद वहाँ भी मार उसके देगा, बाद फिर वो कंटिन्यू रह जाएगा। उसके बाद साउथ अफ्रीका का ओवरसीज टूर है, वहाँ एक भी पारी में नहीं ओवरसीज चलेगा टूर है ये। क्या, हाँ मतलब तो वही इसने पिछली दिसंबर पिछली बार भी साउथ अफ्रीका के ओवरसीज टूर में अपनी जगह को ऐसा करा लेता कि वो सबसे बाहर फेंको, इस बार कंफर्मेशन सी दे देगा। हाँ मतलब अभी वेस्ट इंडीज सीरीज में एक आध एक सेंचुरी बना देगा रहाणे फिर तो ऐसा हो जाएगा भाई, अब तो ये दोबारा नंबर 5 लॉक हो चुका है इंडियन टीम में। और फिर भाई हाँ साउथ अबे ये अफ्रीका ऐसे ही जाते ही वहाँ पे पता तुम चल हो गए ना जाएगा।
कुछ ऐसा था कि पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान जो मैच था वो चेन्नई में है, तो वो डिमांड कर रहे थे कि हाँ, उसे क्या अरे करना चाहिए, बेंगलोर हाँ, में। उन्होंने डिमांड करी कि हमें अफगानिस्तान वाला मैच चेन्नई में नहीं खेलना, बैंगलोर में खेलना है, और ऑस्ट्रेलिया वो के साथ इसलिए जो ना मैच क्योंकि है चिपो की पिच बड़ी टर्निंग होती है। हाँ, और उनके पास स्पिनर ही स्पिनर हैं अफगानिस्तान के पास, तो उनको यूँ होगा कि भाई हम तो इनके आगे हमें चेन्नई में दिक्कत होगी, पर वो डिनाई कर दिया बीसीसीआई ने, बस अब शेड्यूल अबे 27 तो होता तारीख ही को है, आ ही तो रहा अपनी है। मर्जी थोड़ी करवा लोगे। हाँ वही है भाई, ऐसे कैसे अपने एडवांटेज के लिए कुछ भी भाई। और भाई हाँ, इतनी और बड़ी वो टीम भी हो कह के रहा था ना वो, अफगानिस्तान से फट रही है। हाँ, और वो पीसीसीबी चेयरमैन ना जम सेठी जो है वो कह रहा था कि हमें अब अहमदाबाद में नहीं खेलेंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, फिर अब हाँ दूसरी वो दिशा चेन्नई भी, पड़ गया। हाँ तो वो भी है, पर वो हो गया था कि भाई खेलना तो पड़ेगा ही, अब उसमें अफगानिस्तान वाला भी कोई मसला नहीं है, अब पर तो भाई यूं हो गया। बीसीसीआई ने एक बहुत तगड़ा अपना बीसीसीआई ने वो अपना तगड़ा भाई टोरा दिखा दिया कि साउथ अफ्रीका कह रहा हूँ कि एशिया कप में हाँ जितने कि इंडिया के मैच इंडिया हैं के वो सारे मैच, श्रीलंका में होंगे। पर अभी क्या हुआ है कि नजीम शेट्टी ने तो रिज़ाइन कर दिया, अब जो नया चेयरमैन अपॉइंट हुआ है ना अभी 2-3 दिन पहले ही, उसने अब यूँ कह दिया कि मेरे को ये हाइब्रिड मॉडल पसंद नहीं है, तो अब यूँ होएगा कि अगर उसे हो गया ना पीसीबी को कि हमें हाइब्रिड मॉडल नहीं चाहिए, तो पाकिस्तान एशिया कप नहीं खेलेगी, फिर अब इंडिया और बाकी टीमें ही एशिया कप खेलेंगी श्रीलंका ऐसा में। होगा नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। हाँ मतलब मुश्किल है, पर मतलब हो भी अबे और सकता है नहीं एशिया भी कप हो, कुछ ऐसा सीन था ना कि इंडिया फिर पाकिस्तान के 4 मैच कराना चाह रहे हैं, कुछ ऐसा फाइनल भी हो गया मतलब था। वो 3 मैच तो होंगे कंफर्म, ऐसा कुछ है कि अगर फाइनल हुआ तो 3 मैच हो जाएंगे, वरना 2 होंगे, क्योंकि एक शुरू के राउंड में होता है, फिर एक सुपर 4 में होता है, और फिर फाइनल में जो 2 टीमें पहुंचती हैं, और वो मोस्ट प्रोबेबली इंडिया पाकिस्तान ही होंगी, तो इसलिए था कि हाँ, तीन अरे मैच हो वो पिछली बार जाएंगे। था, पिछली बार भी ऐसे लग रहा था इंडिया से पाकिस्तान से श्रीलंका हो गया था। पर पर भाई अपनी सिलेक्शन कमेटी की एक फनी चीज़ देखी, सरफराज ने पिछले 2 रणजी सीज़न में उसकी 80 से ऊपर की एवरेज है, उसे स्क्वाड में नहीं लिया वेस्टइंडीज के लिए, अब पुजारा की जगह यशस्वी जयसवाल आ गया जिसने आईपीएल में रन बनाए, हाँ, ये आईपीएल की बेस पे चले जाते हैं तो है। ऋतुराज गायकवाड़ का फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड बिल्कुल बकवास है, लेकिन उसने आईपीएल में रन बना दिए तो उसे टेस्ट टीम में डाल दिया। हाँ, ये भाई आईपीएल T20 फॉर्मेट है, उसके बेस पे टेस्ट की सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए। वही तो, और ऋतुराज वो है ना गायकवाड़, भाई, पर ये है कि बॉर्डर के इस पार या उस पार दोनों जगह सरफराज के साथ तो गलती हो रहा है। भाई वो तो है भाई, वहाँ सैफी भाई के साथ और यहाँ अपने भाई यंग सरफराज सैफू के भाई साथ, के, भाई हो हाँ ही जा रहा है। और ये मतलब 2-3 प्लेयर हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में खेले ही जा रहे हैं, रन बनाए ही जा रहे हैं, पर भाई आईपीएल में उनका नाम नहीं है, उनकी पीआर नहीं है, तो भाई इसलिए उन्हें टीम में ही नहीं हाँ अबे लेते। इस चीज़ का और बड़ा इफेक्ट पड़ता है। हाँ वही तो, अब यशस्वी जायसवाल हर जगह फैल अबे, और रहा ये था। नहीं समझ आता कि आईपीएल फाइनल में हुआ तो था वैसे तो, मतलब कि मैं ये पता है जिस दिन आईपीएल था ना, फाइनल था, उस दिन ही सुबह देख रहा था नेशनल ज्योग्राफी के डिस्कवरी पे आ रहा था कि अहमदाबाद का स्टेडियम कैसे बना ये सब, तो उसमें पता इतनी तारीफ दिखा रही कि ड्रेनेज सिस्टम ऐसा है, इसे हम इतनी देर में पानी सुखा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, और जब बारिश हुई तो साले स्पॉन्ज से लाके उसे पहुँच रहे हैं। हाँ वो पता नहीं क्या चीज़ थी कि मतलब वो पिच का एक पैट ऐसा था जिसे खुद ला के स्पॉन्सर कर रहे थे, तो उसकी तो बहुत बेइज्जती हो रही थी ट्विटर पे भी कि भाई वो इतना तो बड़ा मतलब बोर्ड है। भाई हाँ, इंग्लैंड में भी ऐसा नहीं होता भाई, वहाँ तो पिच को एक वो पूरे बड़े सा कोई सिस्टम तो होता है वो तो उनका उनके पास उस। तो अलग सी मशीन रखी होती है ना जो कि पिच के ऊपर लगा देते हैं जिसे। हाँ पर अपने यहाँ फिर वही प्लास्टिक के रैंडम कवर ला के अभी भी रखे जा रहे हैं हाँ, अबे वर्ल्ड के सबसे। ये चीज़ नहीं आती समझ में। हाँ वही, अब तो स्टेडियमों का रेनोवेशन शुरू हो गया, हर किसी का वर्ल्ड कप आने वाला है ना, इसका भी हो रहा है पर क्या भाई अरुण जेटली का? उसमें मतलब यूं ही हो रहा होगा कि एक तो आउटफील्ड चेंज करेंगे और सीटें चेंज करेंगे भाई स्टैंड में, सीट तो और बहुत ज़्यादा बड़ी नीड है। बहुत बड़ी नीड है, वो लास्ट टाइम नहीं वैसे दो असली हज़ार ज़रूरतों पे जाओ तो, ज़रूरत तो उसे पूरे अभी स्टेडियम को बम से उड़ाने की है, फिर नया स्टेडियम बनाने की है। वो तो है भाई, वहाँ पे वो जो सामने के स्टैंड में खंबे अड़ रहे हैं भाई, वो आधे पैसे लेने चाहिए उसकी टिकट के दो। अबे अबे गौतम गंभीर स्टैंड पे अगर तुम बैठ जाओ ना ऊपर, हाँ तो भाई अगर वो तुम थोड़ा पिच का ढंग का सा व्यू ले रहे हो तो आधा ग्राउंड तो तुम देख नहीं पाओगे। भाई मतलब इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है यार, तुम दिल्ली में अब भाई स्टेडियम बना रहे ऐसे हो। क्या भांग वांग पी के बना रहे थे क्या? वही तो भाई कि, और पोल भी ऐसे नहीं थे पतले वाले, वो बिल्कुल भारी भारी पिल्लर, हाँ और अरे भाई मोटे, वो अरे वो तो उस जमाने में ऐसे ही होते थे। हाँ मतलब पुराने टाइम में तो भाई और स्टेडियम भी बने हैं ऐसे, तो इतने दिक्कत तो कहीं भी नहीं है हाँ वो इतना चेन्नई गंदा उसमें। तो नहीं बना कोई।
हाँ पर भाई अब क्या ही करें, हमें तो इसी स्टेडियम में मैनेज करना पड़ेगा भाई। अभी भाई अब ये स्टेडियम है तो यार क्या ही सीन बताएं। पर अब भाई देखते हैं वर्ल्ड कप आ रहा है, क्या लगता है। पर ये बता, तेरे को क्या लगता है एशेस का क्या रहेगा, प्रेडिक्शन तेरी क्या है कि क्या लगता है क्या स्कोर लाइन ऑस्ट्रेलिया रहेगी, ऑस्ट्रेलिया पांच ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रेलिया कितने कितने मैच मार्जिन है? से? पांच मैच हैं और अब ये पहला हुआ पांच है। मैच है ना, तो ऑस्ट्रेलिया 3-1 से जीतेगी मेरे हिसाब से, या 2-1 से। हाँ मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि भाई 3-2 रहेगी सीरीज, मतलब हो मुझे सकता लग है रहा या है एक 3-1 ड्रॉ या भी हो दो जाए। एक मैं तो मेरा तो यूँ है 3-2 ऑस्ट्रेलिया के फेवर में, और हो भी नहीं, सकता है तीन कि भाई तीन दो दो। तीन दो भी हो सकता है, 3-2 हो सकता है, क्योंकि ना ये इसमें वो है ड्रॉ होने के चांसेस कम है, जैसे आपका वो इंग्लैंड हाँ खेल रही है पर क्रिकेट। ये है कि एक मैच ड्रॉ इसलिए भी हो सकता है भाई, इंग्लैंड में बारिश का कुछ नहीं पता, मान ले कोई टेस्ट मैच में 2-3 दिन बारिश हो गई तो भाई ये तो काफ़ी टाइम बाद पॉडकास्ट है, पर मज़ा आया भाई आज बात करके। हाँ तो ठीक लगा, भाई अब अब ना आज इतनी मेरा इतनी कोई खास बात नहीं हुई, कल से करेंगे तगड़ा। हाँ तो भाई अब इस पॉडकास्ट को तो यहीं एंड करते हैं, यहाँ तक तो वैसे भी कोई पहुँचा नहीं होगा। हाँ भाई हाल खराब हो जाओ, यहाँ तक मैं पहुँचूंगा ना, जब मैं देखूंगा इसे। हाँ तो भाई इस वीडियो को तो भाई यही एंड करते हैं, आप सब्सक्राइब कर देना भाई भाई मन इतने करे तो। इस समय मेरे मुंह पे इतने पसीने हैं ना भाई, तू वीडियो में देखेगा बहुत ज़्यादा, पंखा बंद कर रखा है बंदे का। कोई नहीं, चल ठीक है भाई। चलो ओके भाई।